नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। मेरा नाम है आशीष चालुसिया और फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर ना बाल विकास के दो टॉपिक कवर करेंगे, टॉपिक नंबर 8 और टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर लिंग भेद के बारे में, लिंग रूढ़िवादिता के बारे में, और टॉपिक नंबर 9 में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व विभिन्नताओं के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं किए 7 बजे और 9 बजे की ना, तो उन क्लासेस को आप जरूर ज्वाइन करें, वो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ में रोज सुबह 6 बजे जो वीडियो अपलोड होता है उसे भी आप लोग जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्व क्यों देना चाहिए? ऐसा माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा कि जो बालिकाएं होती है ये सामाजिक परिवर्तन और नेतृत्व के लिए ना समर्थ होती है, इसलिए हमें क्या है बालिका शिक्षा को पूरी तरीके से महत्व देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षा किया कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो यह टिप्पणी क्या दर्शाती है? दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार का ना लिंग भेदभाव है। आप किसी एक लिंग को ना ज्यादा महत्व दे रहे हैं किसी दूसरे लिंग की अपेक्षा, तो ये एक प्रकार का लिंग भेदभाव होता है। इसे हम जानते हैं लिंग रूढ़िवादिता के नाम से। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन लेते हैं। लिंग या जेंडर पक्षपात खालिस्तान की ओर संकेत करता है। देखिए क्या होता है, जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं ना, इनके कामों में, इनके रहन सहन में जो आप ना विभिन्नताएं कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग व्यवहार करना है दोनों के साथ, यही क्या कहलाता है, लिंग पक्षपात कहलाता है। इज दैट क्लियर? जैसे मान लेते हैं आप लड़कों को कुछ बाहर के काम के लिए वरीयता दे रहे हो, लड़कियों को घर के काम के लिए दे रहे हो ना, लड़के घर के काम नहीं कर सकते हैं, लड़कियां बाहर के काम नहीं कर सकती है, तो ये एक प्रकार का लिंग रूढ़िवादिता कहलाती है, जिसे लिंग पक्षपात भी कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना नोट डाउन कर सकते हैं, ये दोनों टॉपिक से जो क्वेश्चन है आते ही हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है? अब देखिए यहाँ पर ना लड़कों को ज्यादा अच्छा कह रहा है लड़कियों की अपेक्षा, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक प्रकार का लिंग रूढ़िवादिता है, ठीक है, जेंडर को लेकर ये पक्षपात चल रहा है। अगला क्वेश्चन, एक अच्छा विद्यालय किसे कहते हैं? भाई एक अच्छा विद्यालय वो होता है ना जो बच्चों के लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करता, सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखता है और उन्हें ना जो भी शैक्षिक उपलब्धियां होती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें देखता है, ना कि लड़का है या लड़की इसके अकॉर्डिंग देखता है। अगला देखेंगे, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो भाई देखिए जो पुरानी बहुत ज्यादा परंपरा चली आ रही है ना कि लड़के ये काम करेंगे लड़कियां ये काम करेंगी, सबसे पहले तो इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देखिए लड़के और लड़कियों के साथ ना अपारंपरिक व्यवहार करना चाहिए, मतलब जो परंपरा चली आ रही है उसके मतलब उसे छोड़ देना चाहिए। आगे चलते हैं, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ना लिंग के आधार पर कोई भी पक्षपात ना करो और लड़के और लड़कियों को ना समान अधिकार दे, ये सबसे अच्छा तरीका है एक विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने के लिए। आगे चलते हैं, तो देखिए ये भी लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा बीच में आप लोगों से कि अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को पहले लाइक करें, क्योंकि सेशन लाइक करना एक प्रकार का हमें ना मोटिवेट करता है, तो हमें भी मोटिवेशन जरूरत होती है। तो सेशन देखते समय अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर किया करो, नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो क्यों पसंद नहीं आ रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में भूमिका होती है। तो देखिए भाई इसमें ना परिवार, समाज, अध्यापक, स्कूल आदि की ना महत्वपूर्ण भूमिकाएं मानी जाती है अगर इस भेदभाव को पूरे तरीके से मिटाना है तो। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव होता क्या है? क्या है इसमें, जो पारिवारिक स्तर पर, जो सामाजिक स्तर पर, जो विद्यालय स्तर पर या किसी अन्य स्तर पर जो लिंग के आधार पर ना भेदभाव हो रहा है उसे हम लैंगिक भेदभाव कहते हैं, तो ये काफी स्तरों में होता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, विद्यालयों में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा में क्या प्रभाव पड़ते हैं? भाई आप देखिए ज्यादा आप लिंग भेदभाव करोगे ना तो बच्चा जो है स्कूल जाने से कतराएगा, ठीक है, जल्दी से स्कूल जाना पसंद नहीं करेगा, स्कूल से एक प्रकार की उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन लेंगे,
लैंगिक भेदभाव से संबंध क्या है? अब देखिए क्या है, जैसे विद्यालय में होने वाली कोई गायन प्रतियोगिता चल रही है, नृत्य प्रतियोगिता चल रही है, तो उसमें केवल लड़कियों को आप वरीयता देना है कि भाई लड़कियां पार्टिसिपेट करेगी, और मान लेते हैं कि विद्यालय में लड़कियों को खेलने से रोक रहे हो आप, है ना, तो भाई एक प्रकार का ना ये लड़के और लड़कियों के प्रति क्या है, भेदभाव है, एक प्रकार की लिंग भेदभाव में से कह सकते हैं। जैसे आप मानते हैं ना कि लड़कियां ज्यादा बुद्धिमान होती है, लड़के कम होते हैं, तो ये भी भाई एक प्रकार का क्या है, लिंग भेदभाव है, और इससे ना क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आप लोग ना इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से सुने, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे ही। अगला क्वेश्चन लेंगे अब हम यहाँ पर, देखिए टॉपिक नंबर 9 आ गया है, जहां हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व विभिन्नताओं के बारे में। तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलेंगे ही, तो ध्यान से फोकस करें। और जो पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक का नियम है कि, अब देखिए प्राकृतिक क्या है, यहाँ पर ना ये मानती है कि कोई भी व्यक्ति भाई एकदम सेम नहीं होता, आप हो और आपका भाई भी है तो वो भी व्यक्ति ना एकदम पूर्णतः सेम नहीं होंगे, उनकी रुचि अलग होगी, है ना, उनकी अपनी विशेषताएं होगी और उनने अपना रहन सहन होगा, मतलब अपनी खुद की विशेषताएं होगी। कहने का मतलब ये है कि दो व्यक्ति में अपनी अपनी अलग विशेषताएं होती है, वो दोनों व्यक्ति कभी भी सेम नहीं होते हैं, ये बताता है प्राकृतिक का नियम, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का नियम। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, व्यक्तित्व विभिन्नताओं से संबंधित प्रत्यय पर सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया है? तो दोस्तों सबसे पहले जो व्यक्तित्व विभिन्नताओं के कॉन्सेप्ट पर जो काम किया है ना, वो गॉल्टन ने किया है। किसने किया है? गॉल्टन ने। आगे हम रख ले आपको, तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं को जानने की विधि कौन कौन सी है? अब देखिए आपने सुना होगा बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, इन परीक्षणों की सहायता से ना आप व्यक्तित्व की विभिन्नताओं को जान सकते हैं कि भाई इसके पास कितनी बुद्धि है, इसके पास उच्च बुद्धि है, मंद बुद्धि का बालक है ना, तो ये सारी आप इन परीक्षणों की सहायता से जान पाएंगे। याद रखना है तीनों परीक्षणों के नाम। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं, तो आपको बता दूं ना विकास के क्रम में भिन्न नहीं होते हैं, ये नोट डाउन करना, ये अक्सर जो स्टूडेंट से इसे कंफ्यूज करता है, क्या होता है विकास की दर जो लिखा हुआ है उसमें भिन्न होते हैं। अब देखिए भाई किसी की दर ना बहुत तेजी से चल रही है, किसी की बहुत धीमी धीमी चल रही है ना, तो ये व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं विकास की दर से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पर आपको कह दूं मैं, अगर यहां से कहूं एक क्वेश्चन बन के आता है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं, तो विकास के क्रम में, किसमें नहीं होते हैं? विकास के क्रम में। कैसे? क्योंकि देखिए विकास का क्रम ना सबका चलता है, एक जैसा चलता है। मान लेते हैं जो बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है ना, तो सारे बच्चे घुटनों के बल ही चलते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है अपने पैरों में खड़ा होना स्टार्ट होता है बच्चा, तो सभी बच्चे इस तरह क्या होते हैं अपने पैरों में खड़े होते हैं, पर ऐसा होता है कि कोई बच्चे जल्दी हो जाते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं देर से होते हैं। तो विकास का क्रम कैसा रहेगा? सदैव एक जैसा रहेगा, और विकास की दर कैसी रहेगी? वो अलग अलग रहेगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार के सहयोग की आशा करता है? अब देखिए क्या है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो भाई सीखने के ना सबको समान अवसर मिले, ठीक है, ना कोई भेदभाव हो, है ना, ना तो किसी लिंग के आधार पर आप किसी को सीखने के अवसर दें, आप सभी को समान अवसर प्रदान करें, ये कहती है। अगला क्वेश्चन लेंगे, विद्यालय में किसके लिए व्यक्तित्व विभिन्नताओं को करना चाहिए? अब देखिए आप, मैं बता दूं शिक्षा मनोविज्ञान ना व्यक्तित्व विभिन्नताओं के बारे में क्वेश्चन पूछता ही है परीक्षाओं में, तो शिक्षा मनोविज्ञान ये मानता है कि व्यक्तित्व विभिन्नता का आप उपयोग करें विद्यालय में, पर कहाँ करें? जब आप ना अपने स्टूडेंट को, अपने शिक्षार्थी को ना समझना चाहते हो कि भाई वो किस तरह की बुद्धि रखता है ना, हम उसे किस तरह पढ़ा सकते हैं या हम किस लेवल का उसे पढ़ाएं, तो वहां पर व्यक्तित्व विभिन्नताएं आप कर सकते हो। अदरवाइज दूसरी जगह व्यक्तित्व विभिन्नताओं करने की परमिशन शिक्षा मनोविज्ञान नहीं देता है, एक प्रकार का ये बच्चों के साथ कहूंगा तो अन्याय होगा अगर व्यक्तित्व विभिन्नताएं आप करते हैं तो, पर आप पढ़ाने के लिए, उनके मानसिक स्तर को जानने के लिए व्यक्तित्व विभिन्नता का उपयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, शिक्षार्थी व्यक्तित्व विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, आप देखिए सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, व्यक्तित्व विभिन्नता क्या है? भाई दो व्यक्ति आपने देखे होंगे ना, ये तो आपका डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, दो व्यक्ति जो है शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, ठीक है, से कभी भी समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, है ना, तो इसे हम व्यक्तित्व विभिन्नताएं कहते हैं। भाई किसी का शरीर थोड़ा सा बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी की मानसिक योग्यता थोड़ी ज्यादा है, किसी की कम है,
किसकी संवेगात्मक दशा बहुत अच्छी है तो किसी की खराब है। जैसे देखा होगा ना आपने उन्हें, तो संवेगात्मक दशा की मैं बात करूं, कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और कुछ लोगों को बहुत कम, बहुत देरी से गुस्सा आता है, कुछ लोगों को आता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक संवेगात्मक दशा हो गई। तो ये सभी व्यक्तियों में ना अलग अलग पाई जाती है। अब अगला है यहाँ पर व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। तो भाई आपको बताया था अभी कुछ देर पहले भी मैंने, बुद्धि के स्तर में पाए जाते हैं, अभिवृत्ति में पाए जाते हैं और गति में पाए जाते हैं। क्लियर है सभी को? दोस्तों आप लोग को कहना चाहूंगा, अगर 10वें नंबर का टॉपिक भी आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, 10वें नंबर का टॉपिक भी आपको जल्द ही बनाकर दे दिया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया ना तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर ना हमारे लिए बहुमूल्य है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो टॉपिक नंबर 10, तो कमेंट में लिखिए यहाँ पर कि सर हम देखना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू वॉच दिस टॉपिक, तो अगला टॉपिक आपके लिए जरूर लेकर आया जाएगा। और एक बार फिर से कहना चाहूंगा, लाइक करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे शाम 7 बजे और रात 9 बजे की लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।